the roads we travel. Hey guys, welcome back to my channel Avarsha Vlog. तो कैसे हैं आप सब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा आप सब जानते हैं, मैं भी रिसेंट में ये यूपी महोत्सव गई थी जो अलीगंज में लगा है, तो मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा लो आप लोग से भी शेयर किया जाए। सो आइए हम आप लोग से शेयर करते हैं कि मैंने यूपी महोत्सव से क्या क्या शॉपिंग की, और काफ़ी रीजनेबल रेट में वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, तो मुझे मैं थोड़ा मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट हुई और मैंने बाय किया। तो मैं सबसे पहले बहुत छोटी सी क्यूट सी चीज़ जो मुझे यूपी महोत्सव में पसंद आई थी, प्लेट पसंद आई थी जिसमें आप देख सकते हैं दिया जलाने के लिए है, प्रसाद रखने का, वो मैंने ये मम्मी के लिए लिया है जहाँ मम्मी मंदिर जाती है। फिर मैंने लेट ली थी जिसे हम सन्नी बोलते हैं, मैंने ये लेट लिया, और मैंने लिया क्या कहते हैं, कोई भी हम लोग खाने गर्म करते हैं रैक पे रखते हैं तो फिर रैक थोड़ा अफेक्ट कर जाती है, तो ये हमने ये रैक भी लिया स्टैंड वगैरह करके वाले रैक अफेक्ट ना करे। फिर उसके बाद हमने कुछ क्रॉकरी भी वहाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, तो मैंने यहाँ पे क्रॉकरी की गाय थी, मुझे कप मिल रहे थे वहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन मुझे बहुत क्यूट सब कप लगा, तो मैंने इसके 6 पीसेस लिए थे और ये मुझे अराउंड 100 रुपये में 6 पीसेस मिल गए थे। और फिर मुझे इसी के साथ मैचिंग का एक बोल मिल गया था, ये मैंने बोल लिया, मैं मैगी योगी खाने के लिए दो बोल लिए, ये बोल मुझे क्या कहते हैं 100 रुपये में 2 बोल्स मिल गए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने ले लिया, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी था इसका, तो मैंने इसको ले लिया। और ये मैंने कॉफ़ी मग लिया है, ये ग्रे कलर का है, और दिस वन इज ऑल्सो, ऑल्दो मेरे पास कॉफ़ी मग तो बहुत है, लेकिन मुझे, मैं जानती हूँ कि मुझे कॉफ़ी मग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, तो मैं ये 2 ले ली हूँ। इसके भी प्राइस क्या कहते हैं 100 रुपये ईच थे। फिर उसके बाद मैं हम लोग क्लोथिंग में बढ़ते, तो क्लोथिंग में मुझे वहाँ पे कैलकटा की स्टॉल लगा था, वहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी, तो मैंने कहा लो मम्मी के लिए भी साड़ियाँ ले ली जाए, तो मैंने ये मम्मी के लिए ऑरेंज कलर में ये साड़ी ली है, ये प्योर कॉटन है, दिस वन ऑरेंज भी कॉटन साड़ी लिया है। और फिर इसके बाद मैंने ये पिंक कलर की भी ली है, जो एक्चुअली गाइस मैं इतना सारा ले ली साड़ी क्योंकि प्राइस क्या कहते बहुत ही रीजनेबल थे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कलेक्शन, तो मैंने ये ले लिया, प्योर कॉटन है, बॉर्डर है, काफी सुंदर कलर है। और ये माय फेवरेट रेड कलर जो मुझे बहुत पसंद है, ये रेड कलर को देखिए आप, ये बॉर्डर कितने सुंदर इसके बॉर्डर है, ये फिर काफी सुंदर साड़ी है, मम्मी के ऊपर मुझे बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी। मैंने ली है, मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी मुझे येलो कलर का कुछ साड़ी चाहिए, तो वहाँ पे मुझे लकली वहाँ पे येलो कलर का साड़ी मिल गया था, तो मैंने मम्मी के लिए ले ली थी येलो साड़ी। मम्मी एक्चुअली थर्सडे को पहनना प्रिफर करती है येलो, और येलो पहना भी जाता है थर्सडे के दिन, तो मैंने मम्मी के लिए जो येलो साड़ी ले ली, तो देखिए काफ़ी सुंदर साड़ी है, प्योर कॉटन है। और एक और मैंने येलो साड़ी ली थी, ये वाली, ये भी काफ़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, और ये धागे का वर्क है, इसमें बॉर्डर कितना प्यारा है, एज यू कैन सी गाइस। नाउ ब्लू कलर, ब्लू भी बहुत अच्छी साड़ी है, ये भी प्योर कॉटन है, तो गाइस मैंने ये 6 साड़ी ली है, और 6 साड़ी मुझे अराउंड 3500 और 3800 में मिल गई थी, 6 साड़ी। और उसके बाद मैं आगे जैसे बढ़ी, तो मुझे वहाँ पे कश्मीरी लोगों ने भी स्टॉल लगाया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे उनके, तो मैंने एक अलग से फिर एक मम्मी के लिए रेड लिया था, ये भी काफ़ी प्यारा कलर है, ये चेरी रेड कलर है, बहुत सुंदर है। एज मेरी मम्मी का येलो और चेरी रेड कलर फेवरेट है, तो ये मैंने मम्मी के लिए लिया था, और मम्मी के लिए मैंने ये वुलन कलर का वुलन सूट लिया है, जब स्टिच नहीं हुआ, ये देखिए आप लोग देख सकते कितना सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसमें मम्मी को गला नहीं बनवाना है क्योंकि गले में ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये भी रेड कलर है। तो इतनी सॉरी शॉपिंग मम्मी के लिए की, मम्मी इतनी
खुश हो गई कि पूछे नहीं। मम्मी ने कहा कि मेरा न्यू ईयर अच्छा जा रहा है। सो गाइस, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को यूपी मॉल जाना चाहिए। बहुत अच्छे कलेक्शन है वहाँ पे, बहुत अच्छा वहाँ पे रीजनेबल रेट पे सब कुछ है। तो आई शुड सजेस्ट दैट यू मस्ट गो एंड वंस टू एक्सप्लोर यूपी महोत्सव।